हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। 5 महीने बचे हैं एग्जाम्स में, मई 24 के एग्जाम्स में। सीए इंटर वालों, थोड़े सुधर जाओ। हाँ, सुधर जाओ थोड़े से। पढ़ाई अगर अभी नहीं की है तो आपके पास अभी भी सफिशियंट टाइम है। 5 महीने हैं, आप तोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना। 5 महीने की पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा। चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, चाहे आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में कन्वर्ट हो रहे हो, दोनों ग्रुप देना चाहिए कि सिंगल ग्रुप देना चाहिए, टेस्ट कितने देने चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, सब कुछ मालूम पड़ेगा इस पूरे वीडियो में। बट उससे पहले फायदा तभी मिलेगा जब इस वीडियो को लाइक कर दोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट अभी और आने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले 5 महीने की प्लानिंग को समझते हैं। पूरा वीडियो जब हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, ये पूरी कंप्लीट प्लानिंग आप डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो एक अच्छा सरप्राइज भी है। चलिए, सो 5 मंथ्स प्लानिंग कैसे करना है सर? देखो, हम सब जानते हैं कि मई एग्जाम्स इस बार लेट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द सेंट्रल इलेक्शंस। अभी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आया नहीं है, बट एज पर द पास्ट एक्सपीरियंस हमें ऐसा लगता है कि मई लास्ट वीक में होगा। बुरी से बुरी सिचुएशन में 15 मई के बाद ही होगा। ठीक है, इसका मतलब हमें 15 दिन और मिल गए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं एक एक करके ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों ग्रुप प्लान कर रहे हैं। जो ऐसे स्टूडेंट्स अभी दोनों ग्रुप प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली उनकी अभी ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही होंगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि उन्होंने ग्रुप 1 की मैक्सिमम क्लासेस कर ली होंगी, जीएसटी वगैरह शायद बचा होगा और उन्होंने ग्रुप 2 की क्लासेस अभी चल रही होंगी। हाँ, कुछ नालायक बच्चे हैं जिनका बैकलॉग चल रहा होगा, तो आप अपनी सबसे पहले ना क्लासेस कंप्लीट करिए जैन एंड तक। एक चीज एक साथ ध्यान रखिए, जो कर रहे हो उस पर फोकस करो। आमतौर पर मैंने देखा है जब बच्चे ग्रुप 2 की क्लासेस करते हैं तो ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स को लेकर कंसर्न होते हैं। अरे सर, ग्रुप 1 करें, कैसे करें, रिवाइज कैसे करें, रिवाइज कैसे करें। आप ग्रुप 2 पर पूरा फोकस करिए। अगर आपका कोई बैकलॉग है उस पर फोकस करिए और ग्रुप 2 को कोशिश करिए खत्म करने का। मतलब कंप्लीट क्लासेस पूरे दोनों ग्रुप की कंप्लीट करिए जैन एंड तक, एट मैक्स 10 फरवरी तक अगर आप बैकलॉग सिचुएशन में हो। सर, क्या यहां हम ग्रुप 1 का कुछ रिविजन ले सकते हैं? देखो, मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको हाफ एन आवर मिलता है बीच में तो जरूर 45 मिनट्स निकालिए, हाफ एन आवर निकालिए। और मैं तो कहूंगा ज्यादा कुछ नहीं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ही लगा लो। अगर मेरे स्टूडेंट्स है तो उनके पास चार्ट बुक होगा, मेरा चार्ट बुक से रिवाइज कर लो। मतलब कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका करो कि आपको 45 मिनट से ज्यादा टाइम ना निकालना पड़े ग्रुप 1 की पढ़ाई के लिए, ग्रुप 1 की रिवीजन के लिए। चार्ट बुक मैंने आपको बोला अपने सब्जेक्ट में, ऐसे ही किसी न किसी सब्जेक्ट में कोई ना कोई रिवीजन इस तरीके से करते रहो। तो अगर आपकी क्लासेस में बैकलॉग नहीं है तो जैन एंड तक खत्म कर लो। बैकलॉग है तो 10 फरवरी एट मैक्स खत्म कर लो, क्योंकि तुम दोनों ग्रुप दे रहे हो। ये करने के बाद भी तुम्हारे पास 90 to 100 days बचेंगे। 90 में बुरी से बुरी सिचुएशन में बोल रहा हूं और मैं 100 एवरेज बोल रहा हूं, बचेंगे 100 से ज्यादा, पर मैं 100 डेज एवरेज बोल रहा हूं। अब यहां पर हमें करने हैं 2 बार रिवीजन। हां जी, 2 बार रिवीजन, अच्छा वाला, जिसमें पहला वाला होगा हमारा डिटेल रिवीजन। डिटेल रिवीजन में हम मैक्सिमम क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, थ्योरी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, पर अगर मान लो जैसे एडवांस अकाउंट्स है तो एडवांस अकाउंट्स में अगर मान लो 700 क्वेश्चन है, कम से कम 350 क्वेश्चन, 50% गुड एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बाकी 50% क्वेश्चन को ऊपर से देख लो, रिपीटेड क्वेश्चंस को मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग है, किसी सब्जेक्ट किसी टॉपिक को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, किसी को कम दे सकते हैं। अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि जब तुम रिविजन करोगे, मतलब जनवरी के बाद या 10 फरवरी के बाद, तो तुम फर्स्ट टाइम जब रिविजन करोगे तो तुम 10 आवर्स इन अ डे तुम पढ़ोगे। ये वीडियो अभी ही अपने पास ना बचा के रखना, ये वीडियो बहुत काम आएगा, नहीं तो साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लो। तो 10 आवर्स इन अ डे तुम इफेक्टिव पढ़ाई करोगे। 12 घंटे पढ़ोगे तो कम से कम 10 घंटे निकाल पाओगे, और उसमें तुम्हें इन सब्जेक्ट्स को इतना इतने टाइम देना है। एडवांस अकाउंट्स को 120 आवर्स प्लस टेस्ट, लॉ को 70 आवर्स प्लस टेस्ट। सर, प्लस टेस्ट मतलब क्या? चैप्टर वाइज, पोर्शन वाइज टेस्ट या फिर फुल टेस्ट? मैं तो बोलूंगा अगर पोर्शन वाइज टेस्ट देने का टाइम मिल रहा है तो इससे बेहतर और कुछ है ही नहीं। फुल टेस्ट तो हम लास्ट में बाद में फिर से दे सकते हैं। तो सबके साथ उनके उनके पोर्शन वाइज टेस्ट करो। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इसमें लिखना भूल गया, 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे, 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। ठीक है, अभी ग्रुप 1 वालों तुम भी रुक जाओ, ग्रुप 1 जिनका बचा हुआ है उसके बारे में मैं आऊंगा। देखो यहां पर है जिनको सिंगल ग्रुप देना है। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे बहुत सही रहता है, कम से कम आप 5-6 घंटे दोगे तो अच्छा रहता है। कुल मिला के अगर आप इतने घंटे निकालोगे फर्स्ट टाइम रिवीजन में, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी आराम से हो जाएगी, आपको 620 आवर्स निकालने हैं। 620 आवर्स डिवाइड बाय 10 आवर्स इन अ डे, तो आप ये मान के चलो कि टेंटेटिवली 62 डेज होते हैं। मैंने 65 डेज मान लिए। 65 डेज के हिसाब से जब आप शुरू करोगे जैन एंड के बाद या
10th फरवरी के बाद, हालांकि 10th फरवरी के बाद जो शुरू करेंगे उनको यहां पर नंबर ऑफ आवर्स में थोड़ा सा कमी करना पड़ेगा, 620 की जगह 580 आवर्स करने पड़ेंगे उनको, बट चलो ठीक है। ये करने के बाद भी तुम 5 अप्रैल तक एट मैक्स तुम 5 अप्रैल तक फ्री हो जाओगे फर्स्ट रिवीजन से, कंप्लीट फर्स्ट रिवीजन। याद रखना, फर्स्ट रिवीजन जितना डिटेल में करोगे उतना कम समय लगेगा सेकंड रिवीजन में। अगर तुमने फर्स्ट रिवीजन के दौरान दिक्कतें हुई, मतलब तुमने क्या बोलते हैं, मतलब तुमने ढंग से नहीं किया, तुमने प्रैक्टिस नहीं किया, तो सेकंड रिवीजन तुम्हारा बहुत खराब होने वाला है। सो कोशिश करके फर्स्ट रिवीजन को ज्यादा टाइम लो, टेंशन मत लेना कि अरे और सेकंड रिवीजन के पास मेरे पास टाइम क्या बच रहा है। टाइम बच रहा है, इनफ टाइम है, कम से कम 5 से 6 दिन हर सब्जेक्ट के लिए फिर से बचेंगे तुम्हारे पास हर सब्जेक्ट के लिए। और मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि 15 मई के बाद एग्जाम होगा, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मई लास्ट वीक अगर होगा तो आपको 10-1 दिन और मिल जाएंगे, तो आपको 5 to 6 days मिलेंगे, आप आराम से कर सकते हो। मेक श्योर आपकी फर्स्ट रिवीजन बहुत अच्छी जाए अलॉन्ग विद द टेस्ट, ठीक है। अब आते हैं कि सेकंड रिवीजन आपकी 5-6 दिन आपको अप्रॉक्स मिल जाएंगे, उस टाइम पे मैं और कुछ नए वीडियोस बनाऊंगा, तब की तब बात करेंगे। कभी कभार ना इतना ज्यादा लंबा नहीं सोचना चाहिए, पहले ये सोचना चाहिए कि यार मुझे अपना पहला रिवीजन कैसे करना है, पहला रिवीजन एक बार अच्छे से कर लिया तो सेकंड रिवीजन तो मैं निपटा ही लूंगा। तो राइट नाउ डू नॉट थिंक अबाउट सेकंड रिवीजन, बस मैंने आपको बोला है कि सेकंड रिवीजन का आपको करना ही करना है 6 अप्रैल से, उसमें लिमिटेड आपकी प्रैक्टिस होगी, उसमें मैक्सिमम ध्यान आपका कंसेप्ट के रिवीजन पर होगा, कंसेप्ट रिवीजन पर, और एग्जाम लेवल क्वेश्चंस आप ऊपर से देखोगे, प्रैक्टिस बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस की करोगे, बट फिर भी सेकंड रिवीजन कब होगा कैसे होगा वो बात की बात करेंगे, टेंशन मत लो, मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा आपके लिए। अब ये हो गए वो बच्चे जिनको बोथ ग्रुप्स देने, बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक ही चीज बार बार बोल रहा हूं, अगर तुमने फर्स्ट रिवीजन कर लिया ना, मैं बोल रहा हूं तुम्हारा ना बड़ा मजेदार चीज हो जाएगा, सेकंड रिवीजन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, प्रोबेबली जो ग्रुप वन दे रहे हैं, या शायद वो कॉस्ट भी साथ में दे सकते हैं, सेकंड ग्रुप का कॉस्ट भी साथ में दे सकते हैं, या सेकंड ग्रुप का एफएम साथ में दे सकते हैं, वो जो भी मतलब या कॉस्ट या एफएम या ऑडिट जो भी दे सकते हैं। अब या तो तुम्हारी क्लासेस मैक्सिमम कंप्लीट हो गई है, मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हारा जीएसटी वगैरह पेंडिंग बचा होगा, ठीक है ना, तो तुम्हारी क्लासेस लगभग कंप्लीट हो गई है, जीएसटी वगैरह पेंडिंग बचा है, या तो तुम्हारी क्लासेस अभी भी रनिंग है बहुत सारी, अकाउंट्स का बैकलॉग, ठीक है ना, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो तुम्हारी क्लासेस अभी भी चल रही है, दोनों के साथ बात करते हैं। स्टार्ट योर फर्स्ट रिवीजन नाउ, सिंगल ग्रुप है ना, मैक्सिमम क्लासेस हो चुकी है ना, जीएसटी बचा है या एक आध कोई सब्जेक्ट बचा है, जो एक आध सब्जेक्ट बचा है उसको रनिंग चलाओ, उसको उस तरीके से करो कि आगे चल के उसको रिवाइज जब करोगे तो बहुत कम टाइम लगे, और एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, मिनिमम एक सब्जेक्ट उठा लो, या तो एडवांस अकाउंट्स, या तो लॉ, या तो डीटी, मैं तो बोलूंगा एडवांस अकाउंट्स उठा लो क्योंकि सबसे लंबा सब्जेक्ट है ये, ठीक है। पर अगर तुम्हारी क्लासेस अभी बहुत सारी बची हैं, रनिंग चल रही है, बैकलॉग बहुत सारा है, तो सबसे पहले तो दिसंबर एंडिंग तक बैकलॉग खत्म कर दो, दिसंबर एंडिंग तक बैकलॉग खत्म कर दो, ठीक है। और जब तुम दिसंबर एंडिंग तक बैकलॉग खत्म कर दोगे तो उसके बाद तुम लगभग 1 जनवरी से अपना रिवीजन करना शुरू करोगे। सर रिवीजन के लिए मुझे कितना टाइम निकालना चाहिए, मैं बोलता हूं रिवीजन के लिए आपको कम से कम 7 आवर्स आपको निकालने चाहिए, कितने आवर्स निकालने चाहिए, 7 आवर्स, चाहे आप यहां पर हो चाहे आप यहां पर हो, भले आप 1 जनवरी से करोगे, 7 आवर्स इन अ डे निकालना चाहिए क्लासेस के अलावा, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट रिवीजन जब आप करोगे तो फर्स्ट रिवीजन के दौरान आपको इतना टाइम देना है, एडवांस अकाउंट्स को 150 आवर्स, लॉ को 100 आवर्स, डीटी आईडीटी को 160 आवर्स मिलाकर बोल रहा हूं, कुल मिलाकर होते हैं 410 आवर्स, 410 आवर्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40 से 45 डेज आपकी छुट्टियां मिलाकर। और मैं बता दूं, आप हो सिंगल ग्रुप वाले, सिंगल ग्रुप वालों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होने वाला है कि वो लोग आने वाले 1-2 महीने गद्दारी करने वाले हैं, मतलब वो होता ना बिल्कुल भरपूर तरीके से सोएंगे, आराम से पढ़ेंगे, अरे कल पक्का करके वो उनकी सिचुएशन तक पहुंच जाएंगे जो ग्रुप 2 वाले तक हो जाते हैं, मतलब ग्रुप 2 पॉज खत्म होते होते जनवरी हो जाएगा, तो ये लोग भी अपना ना बस टाइम पास करते करते जनवरी एंड तक पहुंच जाएंगे, फिर इनकी आंखें खुलेगी। तो तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग के पास जो मैंने प्लान दिया है उसके अकॉर्डिंग तुम जनवरी एंड तक पूरा कंप्लीट ग्रुप 1 खत्म कर सकते हो, भले तुम्हारी क्लासेस चल रही है उसके अकॉर्डिंग तुम ग्रुप 1 खत्म कर सकते हो अगर तुमने 7 घंटे भी ढंग से दिए तो, क्योंकि उसके हिसाब से 410 आवर्स हो रहे हैं, डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 41 डेज 45 डेज के आसपास, मान लो मैक्स टू मैक्स 50 डेज के आसपास तुम्हारे बनते हैं विद टेस्ट, टेस्ट देने के बाद, मतलब अभी से भी अगर शुरू करोगे तो तुम आराम से जनवरी एंड तक कंप्लीट कर सकते हो, एट मैक्स फरवरी मिड तक, और बहुत टाइम है तुम्हारे पास उसके बाद भी। फिर भी अगर तुम मान लो उसके बाद भी अगर एक सब्जेक्ट एडिशनल कर रहे हो, या तो कॉस्ट, मैंने यहां पर कॉस्ट लिखा है, मे बी आपको ऑडिट करना हो या फिर एफएम एसएम करना हो, तो उसमें भी मैं अकॉर्डिंगली बोल रहा हूं कि कॉस्ट जैसे सब्जेक्ट को 130 आवर्स, ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को 100 आवर्स आप और दे सकते हो, मतलब बाय फरवरी एंड आप एक और सब्जेक्ट एडिशनली कर सकते हो फॉर एग्जम्पशन, मतलब मान लो कि तुम फरवरी एंड तक सब कुछ कर लिए, चाहे तुम क्लासेस के बैकलॉग में हो चाहे तुम क्लासेस के बैकलॉग में नहीं हो, तुमने अगर बैकलॉग में नहीं हो तो शायद फरवरी मिड तक भी कर लिया होगा, यहां तक करने के बाद तुम्हारा सेकंड रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तुम भी अपनी सेकंड रिवीजन 1 मार्च से आराम से कर सकते हो, 1 मार्च से सेकंड रिवीजन।
बिफोर स्टार्ट ऑफ सेकंड रिवीजन कंप्लीट पोर्शन वाइज टेस्ट मैंने आपको यहां पर लिख के रखा है ऑलरेडी, पोर्शन वाइज टेस्ट आपको देना है। एडवांस अकाउंट्स के केस में टेस्ट मैं आपको बना के दूंगा, जितने भी मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं मैं उनको अपनी तरफ से टेस्ट बना के दूंगा। चार पोर्शन वाइज टेस्ट लेने की कोशिश करूंगा और एक फुल टेस्ट। जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है वो आगे चलते मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके नॉमिनल वैल्यू बेसिस पर, नॉमिनल चार्जेस के बेसिस पर हम उनका टेस्ट चेक करवा लेंगे और उनको भी टेस्ट लेंगे। अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। सर एमसीक्यूज आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट ओरिएंटेड है। आईसीआई का बीओएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आईसीआई ने कई सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी डाल दिए हैं। जब आप देखोगे हर एक चैप्टर को रिवाइज करने के बाद तो आपसे एमसीक्यूज, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपसे 70% तक तो एमसीक्यूज आराम से बन जाएंगे और आपको एक समझ में आ जाएगी कि कितना इनडेप्थ वो पूछ रहे हैं। ठीक है, फर्दर आगे चल के अगर मुझे कुछ एमसीक्यूज बना के मैंने आपसे पूछने हुए तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सर सिंगल ग्रुप दें कि बोथ ग्रुप दें। हम अभी भी डिलेमा में हैं कि सिंगल ग्रुप दें कि बोथ ग्रुप दें। सबसे एक बात इंपॉर्टेंट बताऊं, अगर अभी भी तुम्हारे स्टिल 3 से 4 सब्जेक्ट्स पेंडिंग है ना, आधा अकाउंट्स आधा कॉस्टिंग ये वो फलाना ढिमका, थोड़ा सा ना इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन लग रही है। अगर 3-4 सब्जेक्ट स्टिल पेंडिंग है, मतलब आधे आधे भी हुए हैं पर स्टिल लग रहा है कि 3-4 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के अलावा, तो भाई थोड़ी सी ना सिचुएशन टफ है, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है। मतलब ग्रुप 1 को भी तुमने अच्छे से नहीं किया अभी तक और तुम दोनों ग्रुप का सोच रहे हो, मैं बोलूंगा कि एक काम करो, तुम सबसे पहले कंप्लीट करो अपने ग्रुप 1 की क्लासेस। ग्रुप 1 की क्लासेस प्रॉपरली कंप्लीट करने के बाद डिसाइड करो कि यार मेरे पास ग्रुप 2 की क्लासेस करने का टाइम कितना मिल रहा है। सर मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मैं ग्रुप 2 की क्लासेस साथ साथ ना करूं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप 1 को दो। अगर तुम बहुत ही गंदी सिचुएशन में चल रहे हो कि एडवांस अकाउंट तुम्हारा आधा हो रखा है, लॉ भी तुम्हारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उधर से डीटी अभी तुम्हारा अच्छे से नहीं हुआ और तुम उलझ गए ग्रुप 2 में, यार तुम बहुत गलत डिसीजन में जा रहे हो, तुम मत करो ऐसा। ठीक है, क्लासेस कंप्लीशन बाय जैन एंड और 10 फेब कंसीडर बोथ ग्रुप्स। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टोटल सब कुछ करके 10 फरवरी तक क्लासेस हो जाएंगी तो तुम दोनों ग्रुप जा सकते हो, तुम्हारे पास है ऑप्शन, 10 फरवरी है तुम्हारे पास। पर अगर तुम फंसे हुए हो अभी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में तो मैं बोलूंगा कि पहले ग्रुप 1 को अच्छे से कर लो, फिर एक महीने बाद अपनी और सिचुएशन देखना कि ग्रुप 1 के साथ और क्या हो सकता है, पूरा ग्रुप 2 हो सकता है या फिर ग्रुप 2 का कोई एक आध सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। आगे बात करते हैं, डोंट जस्ट, अच्छा यही तो बस मैं बोलना चाह रहा था। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ठीक है ना 3-4 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, सर बढ़िया रोज 4-4 घंटे करके 12 घंटे पढ़ूंगा, सब लेक्चर निपटाऊंगा, ऐसा कर लूंगा जैन एंड तक हो जाएगा सर, बोल दे दूं। सिर्फ लेक्चर थोड़ी देखना है बेटा, 70% बच्चे ये गलती करते हैं और वही बच्चे फेल होते हैं, बस लेक्चर देख लेंगे पास हो जाएंगे। भाई साहब आपकी खुद की प्रैक्टिस कौन करेगा, तो आपको खुद की प्रैक्टिस करनी है। लेक्चर देखना इज अ वन थिंग एंड उसके बाद बिना लेक्चर के उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज अनदर थिंग एंड दैट इज अ चैलेंजिंग टास्क एंड दैट रिक्वायर्स एफर्ट्स एज वेल एज टाइम। तो अगर आप टाइम नहीं दोगे, एफर्ट्स नहीं डालोगे राइटिंग प्रैक्टिस में, सेल्फ प्रैक्टिस में, तो आप लेक्चर्स अगर कंप्लीट कर लोगे तो बहुत मुश्किल है, ध्यान रखिएगा। तो लेक्चर्स, एक लेक्चर देखने के बाद आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, होमवर्क फॉलो कर रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो कि नहीं, ये मैटर करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स की जो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में आए हैं, ठीक है ना, जो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में आए हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो है न्यू सिलेबस के पर एडवांस अकाउंट उनका अभी तक नहीं हुआ। सर हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको सिंपल सा बताऊं, आप मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले लो। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले लो, मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच में सारी चीजें टू द पॉइंट करवा रहा हूं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ 100% करवाऊंगा और हमारा 150 आवर्स एट मैक्स, मैक्सिमम 150 आवर्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाने के बाद भी 150 आवर्स में हमारा ईओ बैच में कंप्लीट हो जाएगा। अब सर ये बैच किसको लेना चाहिए, देखिए अगर आप फ्रेशर हो ठीक है तो भी आप ये बैच ले सकते हो, आपको रेगुलर में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या है, रेगुलर में तो मेरा रेगुलर कोर्स तो 12,500 का है, वो मैं आपको बोल रहा हूं वो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड लो, सिर्फ 6,000 का है। पर अगर ये हो गया पहला, दूसरा, या फिर आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में आए हो, पहले 2 सब्जेक्ट थे अब एडवांस अकाउंट्स हो गया, आपने सिर्फ अकाउंट्स पढ़ा है एडवांस अकाउंट्स नहीं पढ़ा है तो भी आप ईओ बैच ले सकते हो। आपने एडवांस अकाउंट्स पढ़ा है अकाउंट्स पढ़ा है पर आप अकाउंट्स भूल गए हो, ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर भी ईओ ले सकते हो। सर दोनों कर लिए और दोनों में कॉन्फिडेंस अच्छा खासा है, क्लासेस लेनी चाहिए क्या, मैं बोलूंगा फिर क्लासेस ना लेके सिर्फ बुक्स को रिप्लेस कर लो। मेरी बुक्स अवेलेबल है वेबसाइट पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बुक्स अवेलेबल है, बुक्स चेंज कर लो, क्योंकि बुक्स आप नई बुक से पढ़ोगे तो मजा आएगा और बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, कंसेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स, क्यूआर कोड्स, बहुत कुछ मिलेगा। आप जरूर एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ देखना, आपको मजा आ जाएगा बुक देखकर। ठीक है, तो क्लासेस लेना है कि नहीं लेना है, मैं बोलूंगा अगर बहुत टाइम हो गया कोर्स ओल्ड कोर्स किए हुए तो एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस ले लो।
एडवांस अकाउंट्स अकाउंट में से कोई एक नहीं किया अभी तक, तो भी एग्जाम ओरिएंटेड ले लो। फ्रेशर हो, अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, एग्जाम ओरिएंटेड ले लो, ठीक है। मेरे जो पुराने ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, मेरे पुराने ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स, अगर वो न्यू सिलेबस का मेरा रेगुलर बैच लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं सर हम तो रेगुलर लेंगे, तो मैं उनको 50% डिस्काउंट दे रहा हूं। डायरेक्ट वीस्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पर जाइए, आप प्लेस करिए ऑर्डर, उसी के अंदर आपको एडिशनल ऑफर में 50% डिस्काउंट मिल जाएगा रेगुलर कोर्स पर। सर ईओ पर भी है क्या? नहीं बाबा, ईओ पर नहीं है, ईओ जितने का सबके लिए है, वही मेरे ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो क्लासेस और सेल्फ, क्लासेस और सेल्फ, मैं तुम्हें मैंने समझा दिया कि सेल्फ तब करो जब अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है। सिर्फ बुक चेंज कर लो, मैं आपको बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा बुक चेंज कर लो ना, सर मेरे सब्जेक्ट की सभी सब्जेक्ट में कोशिश करके बुक चेंज कर लो, ठीक है ना। अब आते हैं सर, पहला रिवीजन करना कैसे है? सर हमें समझ ही नहीं आ रहा रिवीजन स्टार्ट कैसे करें। सिंपल है, जो भी आपने आपको क्लासेस के दौरान बुक्स दी गई थी टीचर्स की, जैसे मैंने जो भी आपको बुक्स दी हैं, आप उन बुक्स को ही रेफर करोगे और अपने बनाए हुए नोट्स के साथ पढ़ाई शुरू करोगे, ठीक है। डिटेल सीक्वेंस एडवांस अकाउंट्स का मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। तो आप क्लास बुक्स ही रेफर करोगे भाई, वही आपका मेन है, वही आपकी गीता है, उसको रेफर करोगे। जिस सीक्वेंस में आपको टॉपिक के अंदर फैकल्टी ने पढ़ाया उसमें आप वैसा वैसा टॉपिक वाइज करते जाओ पढ़ते जाओ, कॉन्सेप्चुअली वहां से पढ़ते जाओगे, साथ साथ अपनी खुद की समरी बनाते जाओ। मेरे केस में तुम्हें चार्ट मैंने दे दिए, चार्ट बुक दे दिए, तो चार्ट बुक के अंदर ही साथ साथ उसमें गोदागादी करते जाओ कि हाँ मेन पढ़ लिया, आप चार्ट बुक उठा लेते हैं, चार्ट बुक देखते हैं पूरा कवर है कि नहीं, कहां का कवर नहीं है, चलो यहीं लगा लेते हैं। तो मेन बुक से कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करके इमीडिएटली चार्ट से रिवाइज कर लो, उसमें वही अपने नोट्स बना लो या फिर अपनी खुद की समरी बना लो अगर तुम्हारे पास कोई और सब्जेक्ट में चार्ट बुक नहीं है, तो समरी बना लो, इंपॉर्टेंट ये करने का तरीका। अब ये तुम्हारा बुक्स हो गया, समरी हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ जब तुम ये सब करोगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पर बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा विद एग्जाम्पल्स। जैसे एडवांस अकाउंट्स में हमने हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जाम्पल्स किए, तो तुम्हें एग्जाम्पल्स पर ध्यान देना पड़ेगा, एग्जाम्पल जरूर करना। और जैसे ये सब कर लेते हो तो लास्ट में तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर। मेरे केस में मेरी जो किताबें हैं, मेरे किताबों के बगल में QR कोड तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे, तुम्हें पता है, तो QR कोड की हेल्प ले सकते हो। जो बच्चों को किताबें चाहिए वो अलग से अवेलेबल है, पूरा बुक सेट अवेलेबल है, सेपरेट अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अब बात करते हैं सर अब बात करते हैं कि सर आप एडवांस अकाउंट्स का डिटेल बताओ ना, कैसे रिविजन करें, एडवांस अकाउंट्स का सीक्वेंस क्या होगा, एडवांस अकाउंट्स में आप टेस्ट लोगे क्या? हाँ जी, मैं एक और वीडियो के साथ आऊंगा, उसमें मैं आपके साथ एडवांस अकाउंट्स का सीक्वेंस डिसाइड कर बताऊंगा आपको कि किस सीक्वेंस में आपको टॉपिक तैयार करने हैं, किस टॉपिक में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं और साथ साथ कितने घंटे आपको उसके लिए निकालने हैं। मैं ये सब बातें आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अब बारी आती है सरप्राइज की। सरप्राइज क्या है? एडवांस अकाउंट्स ऑडियो रिविजन पॉडकास्ट। गाइज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एडवांस अकाउंट्स के हर एक कॉन्सेप्ट के टॉपिक वाइज ऑडियो रिविजन रिकॉर्ड किए हैं। अभी हालांकि रिकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई है पर धीरे धीरे चलती जा रही है। तो वो ऑडियो पॉडकास्ट जो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है, वो सिर्फ 5 मिनट्स 10 मिनट्स इतने की ही है रिकॉर्डिंग, 5 मिनट्स 10 मिनट्स की ही रिकॉर्डिंग है हर एक टॉपिक की। आपको मजा आ जाएगा जब आप सुनोगे, आपको लगेगा यार मजा आ गया, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है क्योंकि ऑडियो है, आपको कहीं देखना नहीं है सिर्फ सुनना है, तो कॉन्सेंट्रेशन के चक्कर में आपका हर एक कॉन्सेप्ट जल्दी रिवाइज हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल नहीं है उसके अंदर, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए मैंने छोटे छोटे ऑडियो रिविजन दिए हैं। अभी ऑडियो रिविजन आपको सबको कैसे मिलेंगे? सबके लिए फ्री है, चाहे मेरा स्टूडेंट है चाहे नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल में जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे तो ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पर मेरा ये ऑडियो पॉडकास्ट का मैसेज दिख जाएगा जिसमें सीए फाइनल और सीए इंटर का एक ही मैसेज है ऑडियो पॉडकास्ट का। अगर नहीं दिखे मैसेज तो आप उसमें देखना, पिन कमेंट होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये हमारे टेलीग्राम चैनल में हम गए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाओगे, वेट अ मिनट जब हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो यस ये देखिए ये वाला मैसेज आपको दिख जाएगा, ठीक है। और ये मैसेज अगर आपको नहीं दिखे, मान लो आप बाद में कभी देख रहे हो, तो ऊपर ये दिया हुआ पिन कमेंट है, इस पिन कमेंट को क्लिक कर देना, यहां से आपको मिल जाएंगे। मैंने पिन मतलब जो जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो मैंने पिन कर दिए, तो यहां पर आप जाके इसको क्लिक कर सकते हो और देख सकते हो। आपको मजा आ जाएगा जब आप ऑडियो रिविजन सुनोगे, और बल्कि मुझे फीडबैक जरूर देना कि आपको ऑडियो रिविजन कैसे लगे, ठीक है। सो ये ऑडियो रिविजन सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे अपना रिप्लाई जरूर करिएगा। जाने से पहले लेक्चर को लाइक करके जाओ, और कमेंट में आपको अगर कोई और डाउट है और कोई क्वेरी है तो वो जरूर पूछ के जाओ। और कमेंट में अगर कोई डाउट नहीं है, ये वीडियो से थोड़ा सा भी इतना सा भी अगर फायदा हुआ, तो कमेंट में लिख के जाओ कि सर मैं अपना 100% दूंगा, आई विल गिव माय 100% टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या लिखोगे? आई विल गिव माय 100% टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस, मामा मिया लज़ानिया, बाय बाय।